Hello everyone, in the series of Indian Penal Code 1860, today we are going to discuss section 88 of this act, that is, act not intended to cause death, done by consent in good faith for person's benefit. इस सेक्शन में बात करी है कि कोई एक्ट किया जा रहा है, लेकिन उसमें जो एक्ट करने वाला है, उसकी इंटेंशन ये नहीं है कि वो सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज करे, उसकी मृत्यु कॉज करे. Done by consent in good faith for person's benefit. और इस जो किया जा रहा है वो उसकी कंसेंट लेके किया जा रहा है, उसकी सहमति है उस कार्य को करवाने के लिए कि हाँ आप ये कार्य कर दीजिए. इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट, गुड फेथ का मतलब होता है विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन. आप पूरी तरह उसमें ड्यू केयर, अपना पूरा ध्यान रखेंगे, पूरी अटेंशन है आपका फॉर पर्सन्स बेनिफिट, और वो काम उस पर्सन के बेनिफिट के लिए भी हो रहा है, तो यहाँ पे उस पर्सन के लिए फिर कोई हार्म हो जाता है उस पर्सन को एक्ट करते हुए. जब वो एक्ट कर रहा है तो उस पर्सन को कोई एक्ट हार्म हो जाता है अदर पर्सन को, तो वो इस सेक्शन में यहाँ पे डिफेंस मिल जाएगा उसको, क्योंकि जो यहाँ पे उसकी कंसेंट है वो मिल चुकी है और वो जो एक्ट होगा वो गुड फेथ में होगा. अब हम सेक्शन पढ़ते हैं. नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज. नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, जिसमें उस पर्सन की ये इंटेंशन नहीं है उस एक्ट को करते टाइम कि मैं किसी की डेथ कॉज करूं. इंटेंशन का मतलब होता है नियत. उस पर्सन की ये नियत नहीं है कि वो किसी व्यक्ति की मृत्यु करे उस कार्य को करते समय, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा. बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज, तो इस कारण से कि उस काम को करने में उस पर्सन को कोई हार्म हो जाएगा जिसके लिए वो काम कर रहा है, और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज, और ये ऐसी इंटेंशन जो नियत है डूअर की उसको करने के लिए, और बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज, और ये डूअर जो है उसको ये पता भी है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसमें रिस्क है इस चीज़ की, लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं है. रिस्क है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं है कि मैं उसका बुरा करूँ. To any person for whose benefit it is done in good faith, वो किसी भी person के लिए वो जो act हो रहा है वो हमेशा good faith में होगा और उसके benefit के लिए होगा. Whose benefit, जिसके person, जो यहाँ पर बात करिए, जिसके लिए वो act हो रहा है और वो good faith में होना चाहिए. Good faith का मतलब होता है with due care and attention, आप पूरी तरह से उसका ध्यान रख रहे हैं, हर चीज़ जो जिस तरह से होनी चाहिए, जो procedure है आप वो सारा follow कर रहे हैं, तो वो good faith है. And who has given a consent, यहाँ पे उस person की सहमति भी दी गई है, whether express or implied, या तो वो बता दे एकदम clear कि हाँ मेरी consent है, आप ठीक है इस काम को कर लीजिए, या फिर implied, उसके act से implied हो जाए कि ये काम तो अब मैं करूँगा ही करूँगा और इसमें इसकी consent होगी ही होगी. To suffer that harm, अब उसने जब ये consent दे दी है, या तो express या implied, कि भैया कोई भी आप act कर रहे हो लेकिन आपकी intention नहीं है मुझे मारने की, लेकिन अगर उससे कोई हार्म होता है, कोई चोट मुझे लगती है, तो मैं उसको सहने को तैयार हूँ. और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म, और जो उस हार्म की रिस्क है, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि वो हार्म हो भी सकता है और नहीं भी हो, तो उसकी जो रिस्क है उसको लेने के लिए भी वो तैयार है कि हाँ आप मेरा ऑपरेशन कर लीजिए. सपोज़ मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट है, पेशेंट के गार्जियन जो हैं वो, सपोज़ मान लीजिए एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होते टाइम जब डॉक्टर के पास पेशेंट पहुंचता है और वो बेहोशी की हालत में है, तो उसका कोई गार्जियन भी उसके पास नहीं है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को लगता है कि इसको ऑपरेशन अभी करना ज़रूरी है, अगर टाइम लगा तो हो सकता है इसकी डेथ हो जाएगी. तो अगर वो डॉक्टर उस व्यक्ति का ऑपरेशन करना शुरू कर देता है, तो ये तो क्लियर हो ही जाता है कि उस पर्सन की जिसका ऑपरेशन हो रहा है उसकी कंसेंट है, क्योंकि वो इम्प्लाइड कंसेंट मानी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं दे सकता तो इम्प्लाइड कंसेंट मानी जाएगी, जब वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो, क्योंकि अगर वो ऑपरेशन नहीं करेगा तो उसकी डेथ हो सकती है, इसलिए ऑपरेशन शुरू कर दिया. और ऑपरेशन करने के बाद हो सकता है कि कुछ हार्म हो जाए, या फिर रिस्क है कि ऑपरेशन करने से ये हार्म हो सकता है, तो वहाँ पे वो जो डॉक्टर है उसको यहाँ डिफेंस मिल जाएगा कि वो जो एक्ट कर रहा था उसकी इंटेंशन नहीं थी डेथ कॉज करने की, और वो गुड फेथ में कर रहा था और वो उस पर्सन के बेनिफिट के लिए कर रहा था. आइए हम इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं इसका. इलस्ट्रेशन में ये है कि ए एक सर्जन है, ए अ सर्जन, नोइंग दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ जेड, कि ये जो ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ इससे जेड की डेथ हो सकती है.
जैसे सपोज मान लीजिए हार्ट अटैक होता है किसी को, तो हार्ट अटैक का जब ऑपरेशन होता है तो उसमें 99% चांस होते हैं कि जो पेशेंट है वो बच जाएगा, लेकिन 1% चांस होते हैं कि उसकी डेथ हो सकती है। अब सपोज मान लीजिए ये जो सर्जन है वो हार्ट का सर्जन है, और वो जो ऑपरेशन कर रहा है वो किसी के हार्ट का कर रहा है, और वहाँ पे उसको ये पता है कि उसकी डेथ हो सकती है क्योंकि 1% चांस होते हैं हार्ट ऑपरेशन में। हु सफर्स अंडर अ पेनफुल कंप्लेंट, और वो जो जेड है उसको भी दर्द हो रहा है, पेनफुल है, वो कंप्लेंट है उसके पास कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे सही करो, या फिर हार्ट का पेशेंट है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ। लेकिन जो यहाँ पे सर्जन ए है उसकी ये इंटेंशन ही नहीं है कि उसको जेड को मारना है, उसकी ऐसी नीयत ही नहीं है कि वो जेड की मृत्यु कॉज करे। तो जो हार्ट का अगर एग्जांपल लेके चले तो हार्ट का जो सर्जन होगा उसकी भी ये इंटेंशन नहीं होगी कि जो हार्ट का पेशेंट है मैं उसको डेथ कॉज करूँ, उसको मार दूँ। एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ, और गुड फेथ का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर वो सर्जन है तो जो जो इक्विपमेंट्स को ज़रूरत है उस हिसाब से वो पूरा ऑपरेशन करेगा, उन इक्विपमेंट्स का पूरा बेस्ट यूज करेगा। जेड्स बेनिफिट परफॉर्म्स दैट ऑपरेशन ऑन जेड विथ जेड्स कंसेंट, और अगर वो जेड के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है जो ऑपरेशन किया जा रहा है और उसमें जेड की कंसेंट भी है, और फिर अगर कुछ भी जेड के साथ हार्म कॉज होता है, जेड की सपोज मान लीजिए डेथ भी हो जाती है, तो भी यहाँ पे ए जो पर्सन जो ए सर्जन है वो लायबल नहीं होगा, ऐसा माना जाएगा कि ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। वैसे भी अगर हम जनरल डे टू डे लाइफ में देखें तो जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे जब आप कभी भी ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो एक नोटिस जो होता है उसमें आपके साइन करवाए जाते हैं कि अगर यहाँ पे जो आपका पेशेंट है इसकी अगर डेथ हो जाती है तो हॉस्पिटल लायबल नहीं है। तो ये एक तरह से एक्सप्रेस चीज़ हो जाती है, आपकी कंसेंट एक्सप्रेस मानी जाती है, लेकिन अगर वो साइन भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं भी होता है तो भी ये हॉस्पिटल्स के पास ये चीज़ रहती है कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी किसी को मारने की, और हमने ये जो काम किया वो गुड फेथ में किया है, उस पर्सन के बेनिफिट के लिए है, लेकिन फिर भी डेथ हो जाती है तो वो हॉस्पिटल लायबल नहीं होगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।